हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। मैं आज आपको नियो स्टॉक्स, एक पेपर ट्रेडिंग ऐप है, वो कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं मेडिटेशन के और कुछ अच्छे फैक्ट्स या फिर स्टॉक मार्केट का नॉलेज जो शायद किसी चैनल पे हो, ऐसे अच्छे-अच्छे वेबिनार्स भी डाले हुए हैं मैंने, ये प्लीज़ जाके वॉच कीजिए। ठीक है, तो आज मैं आपको नियो स्टॉक्स पेपर ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन है और ऑप्स्ट्रा भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। आज मैं नियो स्टॉक्स कैसे यूज़ करते बता रही हूँ। पहले सिंपली मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगी आपको। आपको सिंपली क्या करना है, नियो स्टॉक्स सर्च करना है। नियो स्टॉक वर्चुअल स्टॉक स्टिम्युलेटर करके फर्स्ट लिंक आएगी, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको साइन अप करना है। फर्स्ट साइन अप के लिए आपको यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा, या फिर आजकल बहुत इजीली साइन अप हो जाता है विद गूगल, आप गूगल साइन अप कर सकते हैं। चूज़ कीजिए कौन सी ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं। फिर ये आपका नंबर मांगेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना नंबर डाल सकते हो। एक ओटीपी आएगा, ऐसे दिखता है नियो स्टॉक्स। सिंपली अब आपको ऐसा व्यू दिखेगा, यहाँ पे चार्ट्स है, ये मिनिमाइज कर देती हूँ। यहाँ पे चार्ट्स है, आपको हर चार्ट जहाँ पे भी आपको ट्रेडिंग करना है, हर चार्ट यहाँ पे आप खोल सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो ऑप्शंस के पुट एंड कॉल के चार्ट्स हो। ठीक है, आप यहाँ पे सब कुछ ट्रेड कर सकते हो, एकदम सेम सेम आपके जीरोधा या फिर जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हो ब्रोकिंग साइट्स की तरह ही दिखता है, और ट्रेड्स भी वैसे ही लेता है। बट इसमें वर्चुअल मनी होता है। वर्चुअल मनी मतलब आपको रियल मनी यूज़ नहीं करने। आपको स्टार्टिंग में 10 लाख का कैपिटल दिया जाता है, सिंपल आपको टॉप अप करना है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपना बैलेंस, सपोज मुझे 2 लाख ऐड करने हैं, तो अपडेट अकाउंट करके, ठीक है, तो आप 2 लाख पे ट्रेड करोगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये 2 लाख पे नहीं ट्रेड करना, तो मैं क्या करूँगी वापस दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके नाम के नीचे आ जाएगा 2 लाख, ठीक है, तो इसके नीचे आएगा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, उसके नीचे टॉप अप पे जाना वापस। और मुझे लगता है कि मेरे पास इतना फंड नहीं है, मैं 20,000 पे ट्रेड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं 20,000 लिख दूँगी। ठीक है, अभी मैं 2 लाख पे ही ट्रेड करके दिखाती हूँ। अभी आपको क्या लग रहा है, निफ्टी 50 नीचे गिरने वाला है, ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 17,500 का एट द मनी का पुट ले लेती हूँ। ठीक है, निफ्टी 17,500 का पुट, सॉरी 1,500 हो गया, ठीक है, 17,500 का पुट ले लिया इसी एक्सपायरी का। इसका चार्ट भी खोल लेते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली इसको बाय करूँगी एट मार्केट प्राइस। मैं यहाँ पे अपना टारगेट भी लगा सकती हूँ और स्टॉप लॉस भी लगा सकती हूँ। सो मेरा टारगेट मैं रखूँगी 68 या 70, जो जल्दी हिट हो जाए, 70, ठीक है चलो। और
फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखना है मुझे, मुझे स्टॉप लॉस इस प्राइस का रखना है। आई थिंक ये होगा 58 के आसपास, तो मैं 58 लिख के, अब मेरा टारगेट क्या है 70 है और मेरा स्टॉप लॉस है 58 और मैं मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहती हूँ। कितना लॉट आपको यहाँ पे, लॉट आप इंक्रीज कर सकते हो, मैं 3 लॉट ले लेती हूँ, 150, 50 का एक लॉट है, ठीक है। तो मुझे मार्जिन कितना लग रहा है, इतना 10,000, ठीक है, तो मैं ये बाय कर लेती हूँ। अब ये आपको कहाँ नजर आएगा, ट्रेड पैनल, आप फर्स्ट जो है वो प्रेस करोगे तो ट्रेड पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, निफ्टी का 11 अगस्त एक्सपायरी का मैंने 17,500 का पुट बाय किया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरी थी 10,000 के आसपास लगा है, 9,800 के आसपास, और मैंने स्टॉप लॉस इतना लगाया और मैंने टारगेट, मेरा टारगेट, अच्छा ये टारगेट है 70 और 58 मैंने स्टॉप लॉस लगाया, सिंपल। और अभी मार्केट प्राइस ये चल रहा है और मेरा PNL ये चल रहा है, ठीक, सिंपल। अब मैं आपको किसी स्टॉक पे करके दिखाती हूँ, तब तक ये चलता रहेगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, फिर मैं सिंपली इसको बाय करूंगी। ओके, पहले चार्ट तो देख लूं, यहां से मैं चार्ट खोल लेती हूँ, फिर मैं इसको, सपोज मुझे लगता है ये नीचे ही गिरेगा, ये भी नीचे ही गिरेगा, ठीक है। ट्रेडर को ये बहुत फायदा होता है कि डायरेक्शन कोई भी हो, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप दोनों तरफ पैसे कमा सकते हो। सो मैं क्या करूँगी, सेल करूँगी, मुझे लगता है नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो। लिमिट ऑर्डर मतलब कहाँ पे इसको, इसकी एंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो मैं मार्केट प्राइस ही कर देती हूँ, मुझे मार्केट प्राइस पे अभी एंट्री चाहिए इसीलिए तुरंत। और यहाँ पे मैं अपना टारगेट लगाऊंगी, टारगेट मेरा नीचे वाला होगा क्योंकि मैं सेल कर रही हूँ, तो सेल का टारगेट नीचे की तरफ होता है, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस मैं रखूँगी 3,350, पहले स्टॉप लॉस ही लगा देती हूँ 3,350, और मेरा टारगेट होगा 3,330, ठीक है, 3,330, ठीक है। और मैं इसको 100 क्वांटिटीज शॉर्ट करना चाहती हूँ। ओके, इनसफिशियंट फंड, चलो 50, ठीक है, 50 के लिए इतने पैसे लग रहे हैं, 1,67,000, ठीक है। तो अवेलेबल मार्जिन अभी है, तो मैं इसको सेल कर दिया मैंने, ठीक है, मार्केट प्राइस पे। अब मुझे ये कहाँ दिखेगा, ट्रेड पैनल में, सिंपली ट्रेड पैनल में अभी PNL चल रहा है, दोनों रेड रेड दिख रहे हैं, चलो। बट मेरे रियल ट्रेड जो अभी कर रही हूँ मैं, वो पॉजिटिव है, ओके 4,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने बजाज फाइनेंस में ट्रेड लिया था आज और TCS में ट्रेड लिया था, TCS का भी रनिंग है और बजाज फाइनेंस में सारे ट्रेड टारगेट हिट हो गए। मैं रोज टेलीग्राम पे अपने, मैं लिंक डाल दूंगी नीचे टेलीग्राम की, मैं रोज ये ट्रेड्स देती हूँ, आप मेरे साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और मैं बताती हूँ, बाय करती हूँ, जो भी बाय करती हूँ मैं डाल देती हूँ, ये मैंने बाय किया, या फिर जो सेल किया वो मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पे TCS शॉर्ट किया है मैंने, ठीक है, मैंने सेल किया है पहले, नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 4,000 के आसपास मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, मैं वापस, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। मैंने स्टॉप लॉस टारगेट लगा के रखा है, तो मैं आराम से वीडियोस बिंदास होके बना सकती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसको मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना है। सपोज मुझे लगता है कि मुझे टारगेट या फिर स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट करना है, तो आप यहाँ पे एग्जिट
बटन्स हैं, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और जब ये एग्जिट कर लोगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं, वीडियो में करके दिखाना पड़ेगा, तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट पर ही निकलोगे। अच्छी स्ट्रैटेजीज स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आती हैं, और आप स्टॉप लॉस और टारगेट ही लगाओगे, ठीक है। मार्केट प्राइस पे कभी एग्जिट नहीं करना, ठीक है। हमेशा टारगेट स्टॉप लॉस देकर ही निकलना। एक तो स्टॉप लॉस देके निकलो या फिर टारगेट देके निकलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको एग्जिट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है। अब ये ट्रेड पैनल आपको डेज हिस्ट्री में पता चल जाएगा कि कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। फिर आप जाओगे रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स में जाके डैशबोर्ड में जाना। सिंपली आपको यहाँ पे ब्रोकरेज और टैक्सेस भी दिखेगा, ठीक है। मेरा रियलाइज्ड लॉस इतना हुआ है, ठीक है, नेट रियलाइज्ड इतना हुआ है, और मुझे चार्जेस इतने लगे हैं, ठीक है। तो इतना लॉस में मेरे चार्जेस ऐड करके मुझे नेट रियलाइज्ड लॉस हुआ है, ठीक है। तो ब्रोकरेज और टैक्स यहाँ पे आपको, ये नियो स्टॉक्स की बहुत अच्छी स्पेशलिटी है कि ये आपको ब्रोकरेज एंड टैक्स भी राउंड ऑफ बता देता है क्लियरली, ठीक है। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि पेपर ट्रेड आप स्टॉक्स में सिर्फ इंट्राडे करने के लिए एक क्वांटिटी लेके ट्रेड करो, ठीक है। चाहे 5,000 रुपये हो आपके पास या फिर जितने भी हो, एक क्वांटिटी लेके ट्रेड करो, ठीक है। एक क्वांटिटी पे ट्रेड करो, बट पेपर ट्रेड मत करो। उससे आपके इमोशंस और ये सब का पता नहीं लगता आपको, ठीक है। और अगर आप पेपर ट्रेड भी कर रहे हो तो कम कैपिटल के साथ करो। ज़्यादा कैपिटल, अब वर्चुअल है तो करोड़ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 10 लाख प्रॉफिट देखने से बेटर है कि 10 रुपये प्रॉफिट देख के इमोशंस कंट्रोल कर लो, ठीक है। अगर अच्छा, मैं अब ये क्यों बता रही हूँ, क्यों करना चाहिए ट्रेडिंग, मतलब पेपर ट्रेड क्यों करना चाहिए फिर। तो ऑप्शंस पे आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक हो या फिर स्टॉक्स के ऑप्शंस हो, आपको उन पे ट्रेड करना चाहिए। पेपर ट्रेड से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस मिनिमम 2,000 का आपको रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उस पर लॉट साइज फिक्स होता है, आप उसमें एक एक क्वांटिटी से ट्रेड नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर स्टॉक में करना है, आप रियल अकाउंट खोलिए और उस पे कीजिए। मैं आपको लिंक दे दूंगी जीरोधा की, मुझे जीरोधा बहुत अच्छा लगता है। मैं जीरोधा पे ही ट्रेडिंग करती हूँ, खुद के ट्रेड सारे जीरोधा पे चलते हैं मेरे, और ये सबसे स्टेबल लगता है मुझे ट्रेडिंग के लिए, ट्रस्टेबल है, ठीक है। तो मैं इसकी लिंक दे दूंगी आपको, आप ट्रेड वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और पेपर ट्रेडिंग ऑप्शंस के लिए कीजिए, और वो नियो स्टॉक्स पे कीजिए। और प्लीज़ मिनिमम आपको 20,000 से ही स्टार्ट करना चाहिए। 20,000 के कैपिटल से ही प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा मत कैपिटल यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप 20,000 को 40,000 कर पाए, इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल और आप रियल मनी में कर सकते हो। अगर ये 20,000 को आपने ज़ीरो कर दिया, तो फिर से कुछ इम्प्रूवमेंट कीजिए, न्यू स्टॉक्स पे ही ट्रेड कीजिए। जब आप पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने लगो, तब आप स्विच कीजिए जीरोधा या फिर आपके डीमैट अकाउंट्स पे, ठीक है। चलिए, और प्लीज़ पॉजिटिव थिंक कीजिए कि यस, मुझे प्रॉफिट होगा। मैम को भी होता है, मुझे भी होता है। आप देखते ही हो मेरा ट्रेडिंग टेलीग्राम पे डालती रहती हूँ मैं, रोज सुबह डालती हूँ, क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा सब देखते रहते हैं कि चार्ट पे कि मैम को मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और फिर एट द डे एंड मैं अपना स्क्रीनशॉट भी डालती हूँ, और मैं मैक्सिममली प्रॉफिट में रहती हूँ या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाती हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू।